हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी डब्ल्यूसी फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है। तो बात कर लेते हैं यूपी डब्ल्यूसी फॉरेस्ट गार्ड की, आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। बच्चे लगभग मेरे हर वीडियो में ये कमेंट कर रहे थे कि रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में बताइए फॉरेस्ट गार्ड की। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट की पहले। देखिए रिजल्ट की उम्मीद जो बन रही है अब, क्योंकि यूपी डब्ल्यूसी के ऊपर दबाव जो है वो दो रिजल्ट का ज्यादा चल रहा है, एक तो लेखपाल के रिजल्ट का दबाव चल रहा है और एक पैट 2022। तो इस पर अभी जो हमको जानकारी मिली है कि वो लेखपाल और पैट 2022 पे ज्यादा तेज काम कर रहा है यूपी डब्ल्यूसी, क्योंकि लेखपाल के कुछ क्वेश्चन जो है वो कोर्ट में भी चले गए तो उनकी हेयरिंग वगैरह उसमें भी बिजी है और पैट 2022 सबसे ज्यादा दबाव जो बना है पैट 2022 का रिजल्ट निकालने का। उसके बाद लेखपाल है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी लेखपाल में बहुत ज्यादा है 8000 के आसपास, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उसके बाद जो है वो चांसेस लगेगा फॉरेस्ट गार्ड का। तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अब आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट में या फिर आपका जनवरी में जाता हुआ दिख रहा है, इससे पहले कोई उम्मीद मत रखिएगा कि रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो जानकारी हम लोग को मिली है वो दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी में ही जाते हुए दिख रही है। रीजन यही है कि पैट और लेखपाल ये दो रिजल्ट बड़े रिजल्ट है जिनको आयोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम निकाल दें। अब रेस के लेके बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और तो मैं रेस की तैयारी करूं या ना करूं। देखिए अगर आपके कुछ नंबर कम भी हैं, अभी मैं कट ऑफ लिखने वाला हूं, अगर आपके कुछ नंबर कम भी हैं तो भी आप करिए रेस। रीजन क्या है कि तो शरीर फिट रहेगा आपका। तो आप कहोगे सर शरीर फिट करने से क्या हो जाए, नौकरी तो मिलनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा जो सुख है वो है आपका शरीर। शरीर फिट रहेगा तो नौकरी करते हुए भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप शरीर अपना पहले तो फिट रखिए, अपने शरीर के लिए दौड़िए कि मुझे फिट रहना है, और सेकंड नंबर पे मेरी रेस आपकी है। तो आप क्या होगा, मन लगेगा आपका, चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 200 में से चाहे आपके 85 नंबर हो, तो भी आपको मन लगेगा। और आप ये टारगेट बना के चलिए कि मुझे ये यूपी पुलिस में जो 35,757 पोस्टें आई है मुझे इन पे ज्यादा फोकस करना है। लगभग 35,000 के आसपास आप पोस्टें हो जाएंगी तो आप इस पे ज्यादा फोकस करिए। फॉरेस्ट गार्ड में अगर आपका हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, जीवन आपका खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि एक नौकरी जो है कभी भी जीवन नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि जीवन का एक हिस्सा है, जरूरत है आपको पैसे की, मान सम्मान की। लेकिन आप सोचो कि यही सब कुछ है दुनिया में, नौकरी लगने के बाद आप जिंदगी में खुश रहोगे तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है भाई। नौकरी लग गई ठीक है, अभी आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या लग रही है, नौकरी लगने के बाद आप नहीं आप खुश रहे, आप कुछ और चीज का आपको करना है तो खुशी क्या है, छोटे छोटे पल है उनमें आप अपना महसूस करिए, खुशी को जिए। हाँ इसकी भी इंफॉर्मेशन लेते रहिए। और आप कुछ बच्चे ये करें कि सर मैं रेस की तैयारी करूं ना करूं, तो आप करिए रेस की तैयारी करिए। आप सोचो कि मैं अपने शरीर के लिए दौड़ना हूं, बस मुझे शरीर अपना फिट रखना है, इसके लिए दौड़ना हूं। आने वाली वैकेंसी जो है वो 35,000 जो यूपी पुलिस में है उसके लिए दौड़ना हूं, आगे SSC GT की वैकेंसी निकलेगी उसके लिए दौड़ना हूं, अग्निवीर के लिए दौड़ना हूं, बस इसके लिए आप दौड़ो। ज्यादा आप मेंटली प्रेशर लोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप कहोगे मेरे तो नंबर कम है क्यों दौड़े। तो ये सब चीजें आपके सामने आई। कम दौड़ना है 10 किलोमीटर दौड़ो, 8 किलोमीटर दौड़ो, या तो 25 किलोमीटर है 8 किलोमीटर दौड़ो, 10 किलोमीटर दौड़ो। अगर इसमें नहीं हुआ तो कांस्टेबल में तो पक्का हो जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे तो 4.8 किलोमीटर रेस मांगी गई है। तो बस ये मेंटेलिटी बनाओ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी नौकरी लगने के बाद मान के चलिए कि बहुत और भी समस्याएं आएंगी तो भी आपको उलझना ही है जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी एक संघर्ष का ही नाम है। तो चल लेते हैं बात कर लेते हैं कट ऑफ। देखिए कट ऑफ में बहुत बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या करें और कैसे क्या होगा। तो जनरल में मैं आपको बता रहा हूं 130 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 129 130 131 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। रीजन क्या है, और ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ये फाइनल कट ऑफ है। हो सकता है आपकी जनरल कैटेगरी 128 पर भी बुला लिया जाए, 128 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए। और क्योंकि रेस इतना आसान नहीं है 25 किलोमीटर पार करना, काफी बच्चे जो हैं वो रेस छोड़ देंगे। ठीक है, ओबीसी की बात करें, ओबीसी की 127 नंबर मान के चलिए अगर आपके हैं तो फाइनल सिलेक्शन, मतलब 125 या 124 नंबर पे आपको डीबी के लिए कॉल आ सकती है। और AWS की बात करें तो AWS 126 नंबर अगर आपके हैं तो आप मान के चलो आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर बस आपको बस रेस आप क्वालिफाई कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है वो लगभग 4,000 बच्चों के कॉल होगी। SC की बात करें, SC आप 115 और ST की अगर बात करें तो 105, और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें
तो आप मान के चलो 89 और फीमेल कैटेगरी अगर सिंगल कट ऑफ बनती है तो मान के चलिए 105 या 106 के आसपास, फीमेल कैटेगरी 105 या 106 बस। इससे अगर अलग अलग कट ऑफ बनती है तो फिर तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से, लेकिन उम्मीद है कि आपकी सिंगल कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इतना नंबर आपके बन रहा है तो आप सुपर खूब तेज दौड़ो, और नहीं भी बन रहा है तो अपने शरीर के लिए दौड़ो, फिट रहने के लिए दौड़ो, और कांस्टेबल के लिए दौड़ो, जीडी के लिए दौड़ो, आर्मीवीर के लिए दौड़ो, बीएसएफ के लिए दौड़ो, सबके लिए दौड़ो, ठीक है, जो आप जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद।